आप लोगों का शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाए हैं आप सब। और आज ये चेयरपर्सन का और हमारे वाइस चेयरपर्सन का इलेक्शन था बारामूला में, ये काउंटिंग तकरीबन 1:30 बजे मुकम्मल हुई, और जिसमें जो हमारे मेम्बरान थे, DDC के मेम्बरान थे, उन्होंने चेयरपर्सन के हवाले से मेरे हक़ में फ़ैसला दिया और वाइस चेयरपर्सन के हवाले से सनाउल्लाह साहब के हक़ में फ़ैसला था। तो देखिए, जो मैं बात कहने जा रही हूँ सबसे पहले कि मैंने जब इलेक्शन लड़ा तो वो एक हंगामी हालात में लड़ा, 8-10 दिन के अंदर लड़ा और एज़ इंडिपेंडेंट लड़ा, और उसमें मैं उन लोगों का शुक्रगुजार बहुत ज़्यादा हूँ, वागुरा के, संग्रामा के, जिन्होंने मुझे मैंडेट दिया और उस मैंडेट के बाद मैं आज आपके सामने हाज़िर हूँ। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सजाद साहब का, जिनके 3 मेंबर्स थे, 3 DDCs मेंबर थे, लेकिन सजाद साहब और इमरान साहब ने ये साबित कर दिया कि कभी इंसान को सियासत हर वक्त नहीं करनी चाहिए, सियासत से ऊपर उठ के भी बात करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बेग साहब बानी मेंबर थे गनी लोन साहब के साथ PC के, लेकिन फिर गनी लोन साहब का एक अलग एक रास्ता हुआ, बेग साहब वकालत में चले गए, फिर जब वापस बेग साहब ने शमूलियत की सियासत में, तो फिर PDP की सूरत में एक अल्टरनेटिव यहाँ बनाने की कोशिश की मुफ्ती साहब के साथ मिलके। खैर, उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सजाद साहब ने और इमरान साहब ने यह साबित कर दिया कि रिश्ते खाली खून के नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं है कि बेग साहब ने शायद सियासी तौर पर सजाद साहब के लिए कुछ नहीं किया होगा, जिस तरीके से उन्होंने PDP को बनाने में अपनी जो प्राइम टाइम उनका था, बिना किसी लालच के उस जमात को बनाने में लगा दिया, शायद सियासी तौर पे सजाद साहब के लिए वो सब एक साहब ने ना किया हो। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर यह एतमाद जताया कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कर सकती हूँ, और ये मैं उनको अश्योर करना चाहती हूँ कि पहले तो ये टीम वर्क होगा, टीम वर्क इन द सेंस कि ये हम सब को मिल के करना है जितने हैं। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अल्ताफ़ साहब और गुलाम हसन मीर साहब का, जिनके लोगों ने ओपनली सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में जो है तरक्की चाहते थे। कभी कभी इंसान को सियासत से बालातर होके लोगों की तर्जुमानी करनी चाहिए। तर्जुमानी जो होती है, मैं आपको बताऊं, सियासत लोगों को डिवाइड करती है और डेवलपमेंट लोगों को जोड़ती है। तो आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि हम जिस वक्त लोगों की डेवलपमेंट की बात है तो हम अपनी सियासत को एक साइड रख के हम एक हैं, हम लोगों को कुछ देना चाहते हैं। उसके बाद मैं एक ख़ास तौर पर एक अपने नौजवान जो हैं हमारे ये मुजफ्फर साहब, इनका जिक्र करना चाहती हूँ। ये इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी के हैं, लेकिन ये पहले शख्स हैं जिन्होंने मुझे ओपनली सपोर्ट दिया, और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसलिए आपको सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों से मैंने मैंडेट हासिल किया है मैं वहाँ डिलीवर कर पाऊँ, तो इस वजह से मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तहे दिल से इनकी शुक्रगुजार हूँ, और मुझे यकीन है इस बात पर कि इंशाल्लाह ताला इनका मुस्तकबिल जो होगा बहुत ही ब्राइट होगा। बाकी जो हमारे जितने DDC मेंबरान हैं, अपने अशफाक साहब हैं, नज़ीर साहब हैं, मेरे साथ रहे, इससे मज़ीद 10 वोट पड़े हैं मुझे, 10 वोट हमें पड़े हैं, तो उन जिन लोगों ने भी वोट डाला उनकी हम सब शुक्रगुजार हैं। और मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जो बेग साहब से मैंने सीखा है सियासत में, कि सियासत में रहना है तो आपको इबादत समझ के सियासत को करना है। और मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, हमारे यहाँ कोई आपको इम्तियाज़ नहीं होगा। आप जिस ब्लॉक के आपके लोग हैं, हम इंशाल्लाह उनके साथ इंसाफ करेंगे। चाहे आप कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ़ 4 लोगों ने वोट डाला, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक मैं इस कुर्सी पे हूँ मैं इंशाल्लाह सब लोगों के साथ इंसाफ करूँगी। ताज साहब के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि 12 साल ताज साहब कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और उसके बाद 45 साल में उनका सियासत का करियर है। बेग साहब के बहुत अच्छे कुलीग भी रहे हैं जब वो मिनिस्टर थे। उनके हवाले से मैं इतना ही कहूँगी कि हमें ताज साहब की सरपरस्ती की ज़रूरत है और उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है। अब उन्होंने इस टाइम क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पता मुझे वोट दिया कि नहीं दिया, बिकॉज़ ये सीक्रेट बैलेट है। हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि जिस वक्त पहली दफ़ा ताज साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, तो ताज साहब ने मुझसे वादा किया था कि अगर ये रिज़र्व हुआ तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, और मैं हालाँकि उस सिलसिले में उनसे बात करने नहीं गई थी। और थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूँगी
कि थोड़ा ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और आपको पता होना चाहिए जो पंचायत एक्ट होता है, जो आज हमारे यहाँ पंचायत एक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पंचायत एक्ट है, नहीं तो ये स्टेट लिस्ट में आता है। हर स्टेट में पंचायत एक्ट है लेकिन वो स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन जैसे कि हम यूटी हैं तो हमें सेंट्रल एक्ट अप्लाई होता है। उसमें रिजर्वेशन के ऑलरेडी रूल्स बने होते हैं, जैसे बीडीसी का होता है 1/4 और डीडीसी का होता है 1/3, यानी कि एक के बाद तीसरा आएगा। और कुछ लोगों को इस हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन थी, मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े हम्बल तरीके से कहती हूँ कि ताज साहब, तो आप तो बहुत बड़े सियासतदान हो, आप तो पहले शख्स हो जिन्होंने मुझे कहा था मैं आपको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट हो। शायद उनको कोई कन्फ्यूजन रह गई है, तो मुझे उस चीज़ का बड़ा अफसोस है। दूसरा, कुछ लोग जो हैं उनको मैं आपके ज़रिए मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको आपकी सियासत मुबारक, नाम लिए बगैर, कि आज आपने फिर डिस्ट्रिक्ट बारामूला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आज आपने फिर ये साबित कर दिया कि आप लोगों का कितना प्रिजिस है बारामूला के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हवाले से। आपने डिस्ट्रिक्ट का नहीं सोचा। आपको पता है कई मुल्कों में ये होता है कि अगर वहाँ अपोजिशन पार्टी में आपको लगे कि कोई शख्स डिलीवर कर सकता है तो हुकूमत उसको इन्वाइट करती है, आइए आप हमारे साथ जुड़िए, अगर वो अपोजिशन का भी हो। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में सियासत करना जानते हैं, उनको हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि आप सियासत कीजिए, जो लोगों ने हमको मैंडेट दिया हम उनके काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ मैं मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार को मुबारकबाद पेश करती हूँ इस चीज़ के लिए कि जो आपने इलेक्शन करवाया, जिससे लोग बहुत दूर हो चुके थे, और एक दोबारा एक सिस्टम को आपने कोशिश की दोबारा नज़दीक लाने की, और जिस तरीके अच्छी तरह से इलेक्शन आपने साफ और शफाफ करवाए, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। लेकिन साथ साथ मैं उनको ये अपील करती हूँ कि 5 अगस्त के फैसले के बाद जो जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़ख्म लगे हैं, ख़ासतौर पर जो कश्मीरी नौजवानों को ज़ख्म लगे हैं, उनकी हीलिंग टच के लिए, उनकी हीलिंग टच के लिए आपको ज़रूरी है कि आप उनको आउटरीच करें। और आउटरीच करने के लिए बहुत सारे और भी रास्ते होते हैं, और एक बेहतरीन रास्ता होता है डेवलपमेंट का। तो हम आपसे ये अपील करते हैं कि अगर आपने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, एक जमहूरी अदारा है, इस जमहूरी अदारे को आप, मेरी आपसे गुजारिश है कि नेक नीति से और बहुत सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से इनको एम्पावर कीजिए, जो ये चेयरमैन है, चाहे फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट हो। ऐसा ना हो कि जो कल्चर यहाँ कश्मीर में बन गया है ब्यूरोक्रेसी का, सारे ब्यूरोक्रेट्स एक जैसे नहीं होते, पर चंद ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जमहूरी निज़ाम। ऐसा ना हो कि ये फेलियर हो जाए, तो ये हम लोगों का, ये लोगों का फेलियर नहीं होगा, ये आपका फेलियर होगा। तो मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप जिस तरह बाकी रियासतों में आपने पंचायती एक्ट को ग्रास रूट लेवल पे एम्पावर किया लोगों को, इसी तरह जम्मू कश्मीर के नौजवान को, यहाँ के हर नौजवान को ये राहत दीजिए कि उसके ग्रास रूट लेवल पे एम्पावरमेंट हो, उनको दरवाज़ों पे और धक्के खाने की ज़रूरत ना हो। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि बारामूला के लोगों से सब कॉन्स्टिट्यूंसी, जो सारे ब्लॉक जो हैं, ये मुझ पे एक ज़िम्मेदारी आ गई है, लेकिन मैं अपने तमाम मेम्बरान से ये गुजारिश करती हूँ कि ये जो है ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमने मिलजुल के जो है इसको एज ए टीम काम करना है। हम एज ए टीम काम करेंगे, और आपकी बहन आपके साथ शाना बशाना खड़ी होगी, चाहे किसी भी पार्टी से आपकी वाबस्तगी क्यों ना हो, मेरे लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, जो कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में बेग साहब एमएलए रह चुके हैं, 2 टाइम एमएलए रह चुके हैं, और जब मिनिस्टर थे उस वक्त जो बेग साहब की यहाँ पर एज एमएलए या लेशर स्टेट लेवल पे जो उनकी कारकर्दगी रही है, उसमें मैं जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन बारामूला के लोग जानते हैं कि बेग साहब ने उनके लिए क्या किया, अपना हक अदा किया। तो मैं बारामूला के लोगों को एक अपील करती हूँ आज यहाँ से कि खुदा के लिए, आप बड़े बाशूर लोग हो बारामूला के, ख़ासतौर पर जो कस्बे के लोग हैं, मैं उनको यहाँ से अपील करती हूँ और मैं उनको ये दावत देती हूँ, आइए हम शाना बशाना चलें। मैं एक और मुजफ्फर बेग को ढूंढना चाहती हूँ इस बारामूला कस्बे में। ये ज़रूरी नहीं सफीना इस कुर्सी पे हो। बारामूला के कस्बे के लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, पढ़े लिखे लोग हो आप, आपके साथ बचपन गुजारा है बेग साहब ने, आपके साथ रहे हैं बेग साहब, जितना उनको मौका मिला, कम मौका मिला, उन्होंने कोशिश की
कि वो कुछ कर सकें आपके लिए। आज मैं बारामूला के कस्बे के नौजवान से ये कहती हूँ, आओ एक और मुजफ्फर बेग इस ज़मीन से पैदा करो, इस ज़मीन से पैदा करो एक और मुजफ्फर बेग। ये मैं आपको अपील करती हूँ, आपने चंद छोटे चोर और ठेकेदारों के हवाले सियासत कर दी बारामूला की, ये बहुत ही अफसोसनाक है। आप पे ये शूबता नहीं है, जचता नहीं है आपको। जहाँ बेग साहब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हों, वहाँ पर मैं किसी को नीची नज़र से नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं आपसे अपील करती हूँ कि सियासत एक वाहिद रास्ता है जिससे हम अपनी तमाम चीज़ों का, अपनी मुश्किलात का अजाला कर सकते हैं, चाहे वो सियासी तरीके से हो या डेवलपमेंट के हवाले से हो। मेहरबानी करके मैं आपसे अपील करती हूँ, आगे आइए और हमारे साथ कदम ब कदम चलिए। और उसके साथ साथ मैं फिर से दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ अल्ताफ साहब, गुलाम हसन मीर साहब, सजाद साहब, मुजफ्फर साहब का, और वो तीन वोट जो मुझे पड़े हैं, मुझे मालूम नहीं, क्या पता ताज साहब ने डाल दिया हो गलती से। हाँ, क्या भरोसा है, भरोसा क्या है, इंसान का माइंड कभी भी चेंज हो सकता है। और वो तो भाई वो तो एक ट्राइबल हैं, आपको पता है ट्राइबल्स क्या होते हैं, बड़े बहादुर लोग और वादे के पक्के होते हैं। जम्मू जाने से पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरा वादा है आपसे, मैं वादा बंद हूँ, वोट आपको है। तो भाई उनको वो एक ट्राइबल हैं, वो अपने वादे से थोड़ा मुकर सकते हैं। हो सकता ताज साहब ने मुझे वोट डाला हो, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए ताज साहब को भी बहुत बहुत मुबारक, और ताज साहब अगर आपने अपना वादा पूरा किया है तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपकी। आइए हम सब जो हैं जूनियर हैं, आइए हमारा साथ दीजिए, हमको गाइड कीजिए, आइए ना गाइड कीजिए। यह हाईजैक करके किडनैप करके लोगों को रखना, ये थोड़ा मुनासिब है, ये इनका जमहूरी हक है जिसको दें। आइए, आपकी ज़रूरत है हमें, आपको एक्सपीरियंस है तकरीबन 12 साल आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो हम DDC तो छोटे छोटे लोग हैं, हमारा क्या है, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, आप आओ हमको गाइड करो, हम इस डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और दिल से कहती हूँ कि बेग साहब के साथ ही रहे हो, मेहरबानी करके हम नए नए लोग आए हैं, आप आइए और हमें गाइड कीजिए, हमें उस चीज़ का इंतज़ार है। शुक्रिया।